हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो जून स्टार्ट हो चुका है और इस जून में 1 जून से लेकर 30 जून तक मैं कौन सी बुक रीड करने वाला हूं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना रीडिंग प्लान बताने वाला हूं कि मैं इस महीने कौन कौन सी बुक रीड करने वाला हूं। ये बुक जो मैंने चूज़ की हैं वो टोटल 9 बुक्स हैं। इनमें कुछ फिक्शनल हैं, कुछ नॉन फिक्शनल हैं, सेल्फ हेल्प बुक है, स्पिरिचुअल बुक है। तो आपको प्रमुख प्रमुख जो जॉनरा होते हैं उन जॉनरा से रिलेटेड बुक इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको थोड़ा बहुत सजेशन मिल जाएगा कि आप इस जून के महीने में कौन कौन सी बुक रीड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, मैंने एक वीडियो डाली है अपने चैनल पर जो कि आपको मिल जाएगी, और उसमें मैंने कृतज्ञता से परिपूर्ण एक अध्याय को सुनाया हुआ है, द मैजिक यानी जादू बुक से जो रोंडा वर्न ने लिखी हुई है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो 9 बुक हैं उन बुक में से जो फिक्शनल बुक जो रीडिंग प्लान के लिए निकाली हैं मैं आपको बताऊँगा। तो पहली बुक जो है वो है मेलुहा की मृत्युंजय, जो अमीश त्रिपाठी ने लिखी हुई है। ऐसे व्यक्ति की कहानी जो पौराणिक कथाओं में ईश्वर के तौर पर बनाया गया है, यानी शिव जी के बारे में है। हालांकि ये एक फिक्शनल बुक है, आप इसे बिल्कुल भी शिव जी के कैरेक्टर से जोड़कर मत देखिएगा, ये इसे पढ़िएगा तो केवल एक फिक्शनल बुक के तौर पर, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, इसके पीछे जो थोड़ी बहुत लाइनें लिखी हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उस समय के निवासी उस भूमि को मेलुहा के नाम से पुकारते थे। इस साम्राज्य की स्थापना भारत के सबसे महान प्रभु श्री रामचंद्र ने कई शताब्दियों पूर्व की थी। एक समय गर्वशील रहे इस साम्राज्य एवं इसके सूर्यवंशी शासकों ने कई संकटों का सामना किया था, क्योंकि उनकी प्राथमिक पवित्र नदी सरस्वती, जो शनय शनय यानी धीरे धीरे सूखती जा रही थी और मृत प्रिय होती जा रही थी, पूर्व दिशा से अर्थात चंद्रवंशियों के राजा की ओर से भी अत्यंत ही विध्वंसक आतंकवादी आक्रमणों का सामना कर रहे थे। चकित कर देने वाली एवं दुखदायी बात यह प्रतीत होती है कि चंद्रवंशियों ने उन नागाओं से समझौता कर लिया है जो मानव जाति में बहिष्कृत जाति एवं अशुभ जाति के तौर पर जानी जाती है, किंतु उनके पास अद्भुत युद्ध कौशल है। सूर्यवंशियों की आस मात्र एक पौराणिक गाथा पर टिकी हुई है जो बुराइयों का एक महाकाय रूप धारण कर लेती है। जब बुराई एक महाकाय रूप धारण कर लेती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ लुप्त हो चुका है, और ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रु आप पर विजय प्राप्त करने ही वाला होता है। तब एक महानायक अवतरित होता है। क्या वह रूखा एवं खुरदुरा तिब्बती प्रवासी जो शिव है वो सचमुच महानायक है, और क्या वह महानायक बनना भी चाहता है अथवा नहीं? अपने प्रारंभ एवं कर्तव्यों की ओर खींचे जाने वाले के साथ एवं प्रेम से प्रेरित शिव क्या सूर्यवंशियों के प्रतिशोध में उनका नेतृत्व करके और बुराइयों का नाश करेंगे? यह शिव पर रचना की 3 पुस्तकों में से प्रथम पुस्तक है, और शिव एक साधारण मनुष्य है जिसके कर्म उस देवों के देव महादेव के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये शिव जी से रिलेटेड बुक ज़रूर है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये शिव जी के कैरेक्टर के बारे में, इसे आप फिक्शनल बुक के तौर पर ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये है मेरी पहली रीड जून महीने की। जो मेरी सेकंड फिक्शनल बुक है जो मैं इस जून के महीने में पढ़ने वाला हूँ वो है कर्ण संगिनी, जो कविता काने ने लिखी हुई है। कर्ण संगिनी एक परित्यक्त की रानी यानी कर्ण की जो पत्नी है उर्वी, उनके बारे में कही गई एक बहुत ही अच्छी कथा है इस बुक में, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुंती व सूर्यदेव के संसर्ग से कर्ण का जन्म हुआ, जिसे उसकी माँ ने जन्म देते ही त्याग दिया। वह राजकुमारों जैसे भाग्य का अधिकारी था, परंतु उसे एक पिछड़ी जाति के सूत पुत्र ने गोद लिया और वह उनमें से एक बना, यानी सूत पुत्र बना। एक क्षत्रिय राजकुमारी उर्वी ने उसे अपने स्वयंवर में अर्जुन के स्थान पर चुना, और यह एक बड़े सामाजिक विरोधाभास का विवाह था। उर्वी को कर्ण के परिवार की स्वीकृति पाने के लिए उसके प्रति अपने प्रेम और असीम बुद्धि को प्रकट करना पड़ा। अंततः वह कर्ण की सहयोगी, परामर्शदाता, मार्गदर्शक बनी। हालांकि दुर्योधन के प्रति अंधनिष्ठा के कारण कर्ण का पतन हुआ, जिसे बदल पाना उर्वी के वश में
नहीं था। इस पुस्तक को उर्वी के दृष्टिकोण से लिखा गया है और यह पांडवों व कौरवों के बीच हुए संघर्ष की पृष्ठभूमि की अनेक परतों को खोलती है। यह सभी विरोधों से परे प्रेम की विजय की एक काव्यात्मक मौलिक गाथा है। तो ये है कर्ण संगिनी, उर्वी और कर्ण के प्रेम की एक गाथा। ठीक, तो जो नेक्स्ट बुक है, जो फिक्शनल नेक्स्ट बुक है जो मैं जून के महीने में पढ़ने वाला हूँ, ऑफकोर्स वो है द्रौपदी की महाभारत। जब मैंने सोचा कि चलो मैं अब कर्ण की पत्नी के बारे में पढ़ रहा हूँ तो क्यों ना द्रौपदी के बारे में भी पढूं, तो द्रौपदी पर लिखी हुई चित्रा बैनर्जी देवकरुणी की बहुत ही अच्छी पुस्तक जो बेस्ट सेलिंग पुस्तक रही है, वही बुक मैंने उठाई और अपने कलेक्शन से निकाली और मैंने सोचा कि मैं द्रौपदी के बारे में भी पढ़ूंगा। तो ये है द्रौपदी के महाभारत, पांचाली के परिक्षेप से महाभारत की कथा। ठीक है, और पांडवों की पत्नी पांचाली द्वारा सुनाई गई इस कथा के माध्यम से महाभारत की शाश्वत कथा को नारी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। पांचाली के जन्म और उसके एकाकी बचपन से लेकर जहां केवल उसका प्रिय भाई ही उसका सच्चा साथी था, रहस्यमय कृष्ण के साथ उसकी जटिल मित्रता, उसके विवाह मातृत्व एवं एक ऐसे पुरुष के प्रति उसका गुप्त आकर्षण जो उसके पति का सबसे बड़ा शत्रु है, उसके बीच की संपूर्ण जीवन गाथा एवं इस पुरुष प्रधान संसार में जन्मी एक स्त्री की अत्यंत भावपूर्ण कहानी है द्रौपदी की महाभारत। ठीक है, तो ये है मेरी जून महीने की फिक्शनल रीडिंग बुक द्रौपदी की महाभारत। अब नेक्स्ट जो फिक्शनल बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, हालांकि मैंने इस बुक के मतलब नेक्स्ट पार्ट ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे मिले ही नहीं। पता नहीं, श्रृंखला तो दी हुई है लेकिन वो पार्ट कहाँ है, वो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है शायद, मैंने ढूंढने की कोशिश तो की, नहीं मिले। तो ये है मृत्युंजय श्रृंखला खंड एक, कृषांतक, देवताओं का शक्ति स्रोत, जिसे अनुज सिंह नागौर ने लिखा हुआ। ये बुक मेरे पास बहुत दिनों से मेरे कलेक्शन में पड़ी हुई थी लेकिन मैंने इसे नहीं निकाला। पढ़ने का मन तो होता था लेकिन मैं बार बार किन्हीं दूसरी बुकों में उलझ जाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना जून के महीने में इस बुक को पढ़ा जाए। तो अनुज सिंह नागौर की लिखी हुई बहुत ही अच्छी बुक है कृषांतक, एक महागाथा सृष्टि के आरंभ की, एक महागाथा देवत्व के सृजन की, एक महागाथा महानायक के अभ्युदय की और एक महागाथा अतीत से वर्तमान की। अतीत जो हमारा था और वर्तमान जो हमारा है, क्या संबंध है इन दोनों का मानवों की महत्वाकांक्षा से। त्रेता युग की महाज्ञानी, महापंडित और तब महातपस्वी जब वर्तमान में पुनः जन्म लेगा तो क्या होगा, उसकी इच्छाएं, कलयुग की महत्वाकांक्षाएं तथा दृश्य और अदृश्य संसार की सभी शक्तियों में मची हलचल, ब्रह्मांड का या तो निगल जाएगी अथवा उसे बचाने आएंगे त्रिदेव, उन्हें आना ही होगा धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के विनाश और अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए। कर्मों के बंधन को कौन तोड़ पाएगा, क्या सती के प्रेम में शिव धरा पर नहीं चले आए, क्या शक्र के प्रतिशोध ने उन्हें देवेंद्र नहीं बना दिया, फिर कुबेर नागा के प्रतिशोध का क्या होगा, महेश रामकृष्णन की अशांत आत्मा का क्या होगा, क्या होगा अंशभूता की इच्छाओं का, देव सेना के नारित्व का, पुलत्स की संवेदनाओं का, रामिष्ट के समर्पण का और क्या होगा लोरी के प्यार का, प्रकृति का चुनाव, मानव से देव बनने की महागाथा कृषांतक। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लग रही है, जब मैं पढ़ूंगा और इसका रिव्यू दूंगा आपको तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब बढ़ते हैं स्पिरिचुअल बुक पर, मैं इसे स्पिरिचुअल बुक भी कहता हूँ, मैं इसे बॉडी स्पिरिट माइंड से रिलेटेड बुक भी कहता हूँ। ये बुक मेरी पसंदीदा बुक है, हालांकि नेक्स्ट बुक से ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कृतज्ञता से भरी हुई बुक है, जो है एक स्पिरिचुअल बुक और एक सेल्फ हेल्प बुक। तो ये है जादू बायरोन डावन, जिसके प्रत्येक अध्याय को मैं दिन प्रतिदिन, यानी आपको इस बुक का भी एक वीडियो मेरे चैनल पर रोज़ मिलेगा क्योंकि मैं रोज़ इसे पढ़कर सुनाऊंगा और इसके अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये है जादू बायरोन डावन सीक्रेट सीरीज़ की एक बहुत ही अच्छी बुक, एक शब्द के द्वारा सब कुछ बदला जा सकता है। 2000 वर्षों से भी अधिक समय पहले की बात है जब कुछ गरुड़ शब्दों को एक धर्म ग्रंथ में छपाया गया था, तब से लेकर आज तक उन शब्दों को जिन्होंने पढ़ा उन्होंने उसका गलत अर्थ ही समझा और वे दुविधा में पड़ गए। इतिहास में सिर्फ चंद लोगों को ही यह एहसास हुआ कि वे शब्द साधारण नहीं हैं,
बल्कि एक पहेली जैसी हैं। और एक बार जब आप इस पहेली को सुलझा लेते हो, एक बार जब आप इस रहस्य से पर्दा हटा लेते हो, तो आपकी नज़रों के सामने एक नया संसार प्रकट होता है। जादू में रोंडावन संसार को जीवन, जो संसार का जीवन है, वो बदल देने वाली एक बात, एक ज्ञान प्रदान करती हैं। और फिर 28 दिनों की अविश्वसनीय यात्रा में वे हमें सिखलाती हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह पुस्तक आपकी पूर्ण ज़िंदगी बदल देगी। कृतज्ञता पर आधारित, ग्रेटिट्यूड पर आधारित ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब जो नेक्स्ट स्पिरिचुअल बुक है और सेल्फ हेल्प बुक है, हर तरह की बुक मान लो, उसमें कहानी है, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी बातें बताई गई, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, स्वयं सहायता की बुक है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप, जिसे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने संकलित किया हुआ है। मैं इनका नाम बार बार भूल जाता हूँ, स्वामी प्रभुपाद ही मुझे याद रहता है, इसीलिए मैंने इसमें से देखकर आपको पढ़कर सुनाया। ठीक है, तो ये बुक श्रीमद् भगवद गीता विश्व भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की मणि के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन से कथित गीता के सारयुक्त 700 से ज़्यादा श्लोकों के आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के मार्गदर्शन के अचूक कार्य के रूप में कार्य करता है। मनुष्य के स्वभाव, उसके परिवेश तथा अंतोत्वगत भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंधों को उद्घाटित करने में उसकी तुलना कोई अन्य ग्रंथ से नहीं की जा सकती है। कृष्ण कृपामूर्ति श्री मद एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद विश्व के अग्रणीय वैदिक विद्वान तथा शिक्षक थे, और वे भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही अविच्छिन्न गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार गीता के अन्य संस्करणों के विपरीत वे भगवान श्री कृष्ण के गंभीर संदेश को यथास्वरूप प्रस्तुत करते हैं, किसी प्रकार के मिश्रण या निजी भावना से रंजित किए बिना। 16 रंगीन चित्रों से युक्त नवीन संस्करणों के निश्चित साथी पाठकों को इसके प्राचीन किंतु सर्वार्थ साम्यक संदेश से प्रबोधित तथा प्रकाशित करने वाली यह पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन के बीच जो संवाद हुए थे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जो संसार भर में गीता के रूप में जाने जाते हैं, उन उपदेशों का महान संकलन श्रीमद् भगवद गीता में संकलित है। और आपको इस बुक को ज़रूर अपने जीवन में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसमें जो चित्र दिए हुए हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, पता है। इसके जो पिक्चर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी, रंगीन चित्र दिए हुए हैं, और जब आप इन पिक्चर्स को देखते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की बातें भी दी हुई हैं, और ये इंद्रियों से जुड़ी हुई चीज़ें दी हुई हैं, ये माया है भगवान, ये योगी किस तरह से, और ये भगवान जी की, श्री कृष्ण भगवान की चित्र, और ये पूरा वृक्ष है, ये दिया हुआ है कि आप क्या करते हो, तो आपके कर्मों के आधार पे आपको कैसा जीवन मिलता है। ये भगवान श्री कृष्ण, और ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अच्छे बाल रूप की चित्र। और अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट बुक पर, जो बुक हैं सेल्फ हेल्प से जुड़ी हुई, यानी स्वयं सहायता से जुड़ी हुई, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो ये बुक है, जो पहली सेल्फ हेल्प बुक है वो है द मिरेकल मॉर्निंग, जो हेल एलरॉड ने लिखी हुई है। ये बहुत ही अच्छी बुक कह सकता हूँ, मैं इसे रीड कर रहा हूँ, और मैं इसका कल आपको रिव्यू दे दूँगा, क्योंकि बस मैं इसे पूरा करने ही वाला हूँ। इसमें भी 30 दिनों के बारे में बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आप अपने जीवन को 30 दिनों के अंदर कैसे बदल सकते हो। 6 आदतें आप अपने जीवन में इंस्टॉल कीजिए सुबह सुबह की, और उन 6 आदतों के आधार पे आप अपने जीवन को इतना अच्छा बना लोगे कि आपको अपना जीवन सफलता, संपन्नता, धन वैभव, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये है मिरेकल मॉर्निंग, ऐसी 6 आदतें जो सुबह 8 बजे से पहले आपका जीवन बदल देंगी। हेल एलरॉड एक जीनियस हैं, और उनकी पुस्तक द मिरेकल मॉर्निंग का मेरे जीवन या भी यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बहुत ही बेस्ट सेलिंग श्रृंखला निकाली थी बुक की।
काश ऐसा हो पाता कि आप सुबह उठकर देखते कि आपकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र रूपांतरित हो गया था, तब क्या अंतर पड़ता है? क्या आप अधिक प्रसन्न होते हैं? तनाव कम होता है? यदि आपके पास एक ऐसा रहस्य होता जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में रूपांतरित लाने की आश्वासन देता, तो आपके अनुसार ऐसा संभव नहीं था। और यदि आपको ऐसा करने में केवल प्रतिदिन 6 मिनट का समय देना पड़े, तो द मिरेकल मॉर्निंग 6 आदतों के बारे में ऐसी बातें बताती हैं जो सारी दुनिया में हज़ारों लोगों के जीवन बदल चुकी है और जिन्हें उन्हें जीना सिखा रहे हैं, उनकी संपन्नता को, उनकी बुद्धि, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की चीज़ों, संबंध, स्वास्थ्य, धन, सभी प्रकार की चीज़ों को प्रतिदिन ऊर्जा से भर देती है। प्रोत्साहन व केंद्र के साथ आप उठ सकते हैं सुबह, ठीक है। तो ये मिरेकल मॉर्निंग बहुत ही अच्छी बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं अपनी मॉर्निंग इस बुक के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, मैंने आज से चालू भी कर दिया। और अब नेक्स्ट बुक जो मेरे लिए स्पिरिचुअल बुक भी है और सेल्फ हेल्प बुक भी है, वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसे हिंदी में सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, जो रॉबिन शर्मा ने लिखी हुई। रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक है, ठीक है। और ये बुक आपको बताती है कि आप अपने जीवन को किस तरह से एक सन्यासी की तरह सोचें, जो जैसे कि उन्होंने जे शेट्टी ने बताया हुआ है कि आप अपनी आदतों को कैसे, आप अपनी अपनी भाषा को, अपने रहन सहन को कैसे सन्यासी की तरह ढाल लें। वैसा ही ये बताती है कि आप अपने अंतर मन की जिज्ञासा को जगाइए, अपनी आध्यात्मिकता को जगाइए, और उस आध्यात्मिकता के आधार पर आप अपने जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकते हो। स्वतः रूपांतरण हो जाएगा अगर आप उन आदतों को सीख लोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें हैं, ज्ञान जो आपके जीवन को उत्साह, उद्देश्य और शांति प्रदान करेगा। यह प्रेरणाप्रद कहानी हमें क्रमशः उत्साह, संतुलन, समृद्धि और आनंद से जीने के लिए प्रेरित करती है। सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, एक आश्चर्यजनक नीति कथा है। यह पुस्तक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी का हिंदी अनुवाद है, जिसे जूलियन मेंटले के जीवन से अवगत कराने वाली पुस्तक के रूप में जाना जाता है। मेंटले, जो वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे, अपनी असंतुलित जीवन शैली से पूरी तरह से हताश हो गए थे। वह अपने पेशे, धन दौलत सभी को त्याग कर हिमालय की चोटियों में जाते, और जहां शिवाना के संतों के साथ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और उसी के निचोड़ में यह पुस्तक हमें बताती है। आनंदपूर्ण विचारों का विकास करें, जीवन की आवश्यकताओं और उद्देश्यों को अनुसरण करें, और आत्मनुशासन को परिष्कृत करें, और साहस पूर्ण ढंग से कार्य करें, समय की उपयोगिता को समझें, और अपने रिश्तों को पोषण दें, और हर समय पूर्णता से जिए। रोमेश शर्मा की यह पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसे मैंने पढ़ लिया, मतलब जिसे भी मैंने सेकंड टाइम पढ़ लिया है, और मैं इसका रिव्यू इस जून के महीने में ज़रूर दे दूँगा। समथिंग मैंने इसके 50 पेजेस तो पढ़ ही लिए, ठीक है। और अब है लास्ट एंड द लीस्ट बुक, जो बुक मैं कुछ समय से पढ़ रहा था, हालाँकि मेरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिनकी वजह से मैंने नहीं पढ़ पाया ऐसे फिर से। और हाँ, इसकी मैंने 65 पेजेस ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं, तो मैंने सोचा जून में इसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये है द पावर ऑफ हैबिट, जिसे चार्ल्स ड्यूइंग ने लिखा हुआ है। चार्ल्स ड्यूइंग की एक बहुत ही अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक है द पावर ऑफ हैबिट, जिसमें द पावर ऑफ हैबिट के ज़रिए चार्ल्स हैं वो आपको बताते हैं कि वे यह पता लगाते हैं कि कुछ लोगों और कंपनियों को सालों की कोशिश के बाद भी बदलाव के लिए संघर्ष करना क्यों पड़ता है, जबकि अन्य लोग बड़ी आसानी से रातों रात बदलाव लाने में सफल हो जाते हैं। चार्ल्स उन प्रयोगशालाओं में भी जाते हैं जहां न्यूरो साइंटिस्ट इस बात का पता लगाते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं, और उनका जन्म हमारे मस्तिष्क में किस हिस्से की, मतलब किस भाग में होता है, कि दिमाग के किस भाग में होता है। और चार्ल्स हमारे सामने यह राज उजागर करते हैं कि ओलंपिक तैराक माइकल फिलिप्स, स्टारबक्स के सीईओ हार्वर्ड सुल्ज, और नागरिक अधिकारियों के प्रेरणेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने शख्सियत के सफलता में उनकी आदतों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे एक सम्मोहक तार्किक परिणाम देने वाली, नियमित व्यायाम करना, वजन घटाना, अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ परवरिश देना, अधिक उत्पादक बनना, और साथ ही क्रांतिकारी सफलता हासिल करने वाली कंपनियां खड़ी करना, हमारी इस समझ पर निर्भर करता है कि आदतें कैसे काम करती हैं। अगर आप समझ जाते हो कि आपकी आदत कैसे काम करती है, तो आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में कर सकते हो, और आप इस विज्ञान में निपुण बनकर हम अपने व्यापार, अपने समुदाय और अपने जीवन को रूपांतरित कैसे कर सकते हैं। तो ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता चार्ल्स ड्यूइंग, जो एक अमेरिकी पत्रकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत अच्छी बुक है द पावर ऑफ हैबिट।
आप इसे ज़रूर पढ़िए इस जून में, और मैं इस जून में ये बुक पूरी तरह से ख़त्म करके आपको इस बुक का रिव्यू उपलब्ध कराऊँ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप शाम वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको कृतज्ञता से जुड़ी हुई एक वीडियो मिलने वाली है। और हाँ, मैंने एक और चीज़ चालू की हुई है, मैं हफ्ता में जो वीक होता है उसमें हर हफ्ते में एक दिन आपको सफलता से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानियों, मतलब हर एक महान हस्ती की एक महत्वपूर्ण कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।